सड़क नाम की कोई चीज नहीं थी। अथाई खेड़ा से अशोकनगर पहुंचने के लिए 20-25 किलोमीटर की दूरी है, मुझे 2.5 घंटे लगे मेरे भाई और बहनों, 2.5 घंटे। सड़क नाम की कोई चीज नहीं थी। और पुराने जमाने में कहते थे, जो दादा बैठे हैं ना, राजमाता साहब के साथ काम किया है, उस जमाने में कहते थे, कमल सिंह जी उठो, कमल सिंह जी कहते थे कि भैया अगर सड़क नहीं है तो पगडंडी पकड़ लेना। सही है कि नहीं? अथाई खेड़ा में सड़क नहीं थी, पगडंडी थी। और पगडंडी भी ऐसी कि मालूम नहीं पड़ता था कि सड़क कहां शुरू होता है और गड्ढा कहां खत्म होता है। याद है कि नहीं? उस जमाने में ये हाई फाई गाड़ियां नहीं थी, किसान बैलगाड़ी के आधार पर अनाज मंडी पे ले जाता था और बैलगाड़ी ये सड़क पे चले तो चले कैसे? बैलगाड़ी चले तो ढाई 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 ढाई। याद है कि नहीं लोग? अगर याद है तो ताली बजा। मैंने एक एक सड़क आपके लिए बनाई। ये अशोकनगर से अथाई केड़ा से बंगला चौराहे से मेलवा चौराहे तक की सड़क, भोपाल तक घाट बुमुरिया से अथाई केड़ा की 20 किलोमीटर की सड़क 15 करोड़ की, मुंगावली से मलावनी की सड़क, मुंगावली से मलारगढ़ की सड़क। और जब आपने ब्रिजेंद्र यादव जी को यहां से जिताया और महेंद्र यादव को कोलारस से जिताया, तब मैंने आपको कहा था एक ऐसी सड़क दूंगा जो एक जिले से दूसरे जिले तक जाए। हम तो गांव गांव की बात करते हैं, एक ऐसा सड़क दूंगा जो 100 गांव को जोड़े। अमरोध से मेगोना बाड़ा कोलारस तक की सड़क मैंने आपको दे दी 120। और अभी शाडोरा से करीला माता की सड़क 53 किलोमीटर की 125 करोड़ की मैंने दिलवा दी है, स्वीकृत करा दी। जय जानकी मैया की, जय जानकी मैया की। एक एक गांव में स्वास्थ्य केंद्र बना दिया। अगर मुंगावली की हम बात करें तो चाहे हमारा रीछा हो, बमोरी हो, सावलेड़ा हो, करातला हो, खजराई हो, बमोरी हो, तमाशा हो, खेरीबोरी हो, बेरखाड़ा पिपराई हो, रुसल्ला हो, 30 बिस्तर का अस्पताल पिपराई में हो, जितने घर हैं उतने अस्पताल मैंने दे दिए मुंगावली। बिजली की किल्लत होती थी, एक एक गांव में सबस्टेशन देने का कार्य, चाहे अमरोध हो, बंगला चौराहे हो, बहादुरपुर हो, बमोरी चंदेरी हो, विक्रमपुर हो, अमरोध हो, मलावनी हो, कहा है सुरेंद्र सिंह मलावनी, इनके गांव में भी दे दिया मैंने। एक ब्लॉक में एक सबस्टेशन स्वीकृत हो सकता है, मैंने तो 10-10 सबस्टेशन मैंने मुंगावली में दे दिया 5-5 करोड़ के। और वो क्यों? कि अगर मेरा नाम ज्योतिरादित्य है तो ज्योति का प्रकाश भी आपके लिए मिलेगा। मुंगावली का स्टेशन याद है, अशोकनगर का स्टेशन याद है, यहां कौवे बोलते थे, एक गाड़ी नहीं आती थी, लाइन भी एक थी। तो जब मैं गया बोला रेलवे को कि मुझे ट्रेन की कनेक्शन चाहिए, तो बोले साहब लाइन ही एक है, तो
अगर मेरे पूज्य पिताजी ने गुना साइड से डावा का रेल का लाइन दिया है तो योग्य पिता का योग्य पुत्र होने के नाते कोटा बीना लाइन का दोहरीकरण और विद्युतीकरण 3,000 करोड़ का मैंने करा दिया। तालियां थोड़ी कम बजी। नहीं नहीं मैं बताता हूं क्यों, क्योंकि अभी तो आपने ट्रैक की बात की। अरे भैया उस पे ट्रेन चलती थी, छुक 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 छुक, धौरीकरण और विद्युतीकरण के बाद अब उस पे ट्रेन चलती है, छुक 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 छुक। अशोकनगर में इंदौर की ट्रेन, भोपाल की ट्रेन, अमृतसर की ट्रेन, चेन्नई की ट्रेन, पुणे की ट्रेन, और केवल अशोकनगर नहीं, मुंगावली के लिए जहां दुर्ग अजमेर की स्टॉपेज, सूरत मुजफ्फरपुर की स्टॉपेज मैंने अशोकनगर में दी, अभी आचार संहिता के पहले एक ट्रेन नहीं, दो ट्रेन नहीं, तीन ट्रेन नहीं, बोलो जोर से, चार ट्रेन की स्टॉपेज। आज मुंगावली में तिरुचिरापल्ली से भगत की कोठी की स्टॉपेज, उदयपुर से शालीमार एक्सप्रेस की स्टॉपेज, दुर्ग अजमेर की स्टॉपेज, सूरत से मुजफ्फरपुर की स्टॉपेज। आप राजस्थान जा सकते हो, आप गुजरात जा सकते हो, आप उत्तर प्रदेश जा सकते हो, आप दक्षिण भारत जा सकते हो, आपको अशोकनगर जाने की जरूरत नहीं, मुंगावली से ट्रेन पकड़ सकते हो मेरे भाई और बहनों। तो आज ट्रेन की सुविधा, रोड की सुविधा, बिजली की सुविधा, शिक्षा के क्षेत्र में, ये कह रहे हैं दो सीएम राय स्कूल के अतिरिक्त जो आपने सपना भी नहीं देखा था। जब मैंने कहा कि केंद्र विद्यालय में अशोकनगर लाऊंगा, पहला केंद्र विद्यालय मैंने मुंगावली में रखा मेरे भाइयों। आपने मांग मुझसे नहीं की, मैंने लगवाई आपके लिए, इन बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए मेरे भाइयों। और भारत सरकार का नियम है कि एक जिले में एक ही केंद्र विद्यालय लग सकता है, पर मैंने पहले मुंगावली में केंद्र विद्यालय लगाई, उसके बाद लड़के झगड़ के दरवाजा खटखटा के दरवाजा तोड़ के चंदेरी भी मैंने केंद्र विद्यालय लगा दी, और चंदेरी के बाद अभी 8 महीने पहले मैंने अशोकनगर के लिए भी केंद्र विद्यालय स्वीकृत करा दिया। तो जहां एक जिले में एक केंद्र विद्यालय लगता है, मैंने अशोकनगर में, बोलो जोर से, अभी सुनाई नहीं दिया, आप पीछे से बोलो, 3 केंद्र विद्यालय लगा। तो आज आपके सामने मैं आया हूं, तो मैं खाली हाथ नहीं आया हूं, मैं अपने ट्रैक रिकॉर्ड और इतिहास लेके आपके बीच में आया हूं, आपके आशीर्वाद। कांग्रेस की तरह मैं खाली हाथ नहीं आया हूं, झूठे सपने नहीं बुनता मैं, बैठकर हकीकत बुनता हूं मेरे भाई और बहनों। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो आज इस देश को एक नया इतिहास और नया बुलंदगी दे रहे हैं, विश्व पटल पर उजागर कर रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को इस देश में आज राशन मुफ्त दिया जा रहा है। मुझे बताओ थाईखेड़ा में कितने लोगों को राशन मिल रहा है मुफ्त, बताओ हाथ उठाओ। 65 वर्षों में एक कांग्रेस की सरकार ने आपको नहीं दिया, अगर किसी ने दिया मोदी है, मोदी है, मोदी है, देखो आने वाली पीढ़ी भी चला रही है, मोदी है,
प्रधानमंत्री आवास की पूरी राशि, प्रधानमंत्री आवास योजना। 65 सालों में कांग्रेस ने 3 करोड़ घर बनाए, 3 करोड़ 65 साल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल के अंदर 4 करोड़ घर बना दिए, और आने वाले 5 साल में 3 करोड़ अतिरिक्त घर बना के आपको दे देंगे मेरे भाई और बहनों। मोदी जी का संकल्प है कि इस देश के अंदर एक नागरिक भी न रहे जिसके सिर के ऊपर छत न हो मेरे भाई और बहनों। ये मोदी की गारंटी है, और मोदी की गारंटी मतलब उस गारंटी को पूरे करने की गारंटी है मेरे भाई और बहनों। आज देश के अंदर एक एक व्यक्ति के पास आयुष्मान कार्ड है, बताओ कितने लोगों के पास है आयुष्मान कार्ड। 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य सेवा किसी प्रधानमंत्री ने नहीं दिया, अगर किसी ने दिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया मेरे भाई। मोदी की गारंटी मतलब 100% लाभ, मोदी की गारंटी मतलब 100% सुशासन की सरकार, मोदी की गारंटी मतलब 100% विकास मेरे भाइयों बहनों। आज एक एक व्यक्ति को किसान सम्मान निधि मिलता है, कितने लोगों को यहाँ किसान सम्मान निधि मिलता है बताओ, कितना मिलता है, कितना मिलता है? 6,000 मोदी जी से, 6,000 मोहन जी से। और एक मैं पूछना चाहता हूँ प्रश्न, अगर 2020 में हमने सरकार न बदली होती तो 6,000 मिलता, ठीक किया कि नहीं सरकार बदली। ये ब्रिजेंद्र जी ने त्याग पत्र दे दिया, अरे भाई भैया पंचायत में सरपंच त्याग पत्र नहीं देता, इन्होंने विधायकी से त्याग पत्र दे दिया, ताली बजा। वो पैसा कांग्रेस के, मैंने कांग्रेस का जेब काट के आपके जेब में डाला, सही किया कि नहीं, सही किया कि नहीं। और अगर सही किया है तो 7 तारीख को एक भी वोट अताई खेड़ा में नहीं चूकना चाहिए। जिस सरकार ने केवल भ्रष्टाचार की कांग्रेस ने, जिस सरकार ने केवल तुष्टिकरण की है, जिस सरकार ने भारत की सेना पर प्रश्न चिन्ह उठाया है, जिस कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि भगवान राम काल्पनिक हैं, जिस कांग्रेस पार्टी ने कहा है सनातन धर्म को नष्ट करना चाहिए, उस कांग्रेस पार्टी को बोरी बिस्तर में बांधकर सिंध की नदी में फेंकना है मेरे भाई। मेरे आह्वान को मानोगे, करोगे, करोगे। और जिस प्रधानमंत्री ने भगवान राम 500 साल से इंतजार कर रहे थे, टेंट के नीचे विराज रहे थे, एक ऐसे भारत के सपूत जिन्होंने राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा करके उन्हें अयोध्या धाम में स्थापित कर दिया मेरे भाइयों। बोलो मेरे साथ, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। ऐसे मोदी जी को अपना साथ दोगे, दोगे मोदी जी का साथ, आपका विश्वास
मैदान पर कमल का फूल का बटन दबाएगा मेरे भाइयों ने। दबाओगे? अभी सुनाई नहीं दिया, दबाओगे? अभी सुनाई नहीं दिया, दबाओगे? दबाओगे? और याद रखना, जब दबाओगे तो याद रखना कि डब्बा का बटन नहीं दबा रहे। याद रखना, जब आपकी उंगली उस डब्बे पर कमल के बटन पर होगी, याद रखना कि आप ज्योतिरादित्य सिंधिया के दिल के बटन को दबा रहे हैं। मेरे दिल के बटन को दबा।